हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज एक ऐसी मिठाई की रेसिपी लेकर आए हैं, नहीं तो दूध, ना चाशनी और ना मावा कुछ भी नहीं लगेगा, ना ही हम मिल्क पाउडर का यूज़ करेंगे। तो मिठाई हमारी 1 किलो बन के तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी मिठाई बनी है, एक बार इस तरह से ट्राई ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें मिक्सी का जार लेना है, उसमें आधा कटोरी हमने चीनी ऐड कर दी है और 2 इलायची ऐड कर दी हैं। तो इन सभी को अच्छे से पीस लिया है। चीनी को अब करेंगे ट्रांसफ़र एक बोल में और हम लेंगे ब्रेड। तो फ्रेंड्स, ये ब्रेड हमने 8 लिए हैं, आप जितने भी मिठाई बनाना चाहें उस तरह उतने ही ले सकते हैं। और इस तरह से इसका ब्राउन पार्ट काट के अलग कर देंगे, हमें सिर्फ व्हाइट पार्ट ही इसका लेना है। अब इसे तोड़ के मिक्सी के जार में इसे पीस लेंगे, एक फाइन पाउडर बना लेंगे। तो हमारा ब्रेड भी पीस के तैयार है। अब उसी चीनी के पाउडर में इसे मिक्स कर देंगे और अब ऐसे ही इसे मिक्स करेंगे, अभी कुछ भी नहीं ऐड करना है, इसी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो हमने चीनी और ब्रेड को इस तरह से मिक्स किया है, तो इसका मॉइस्चर, ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें मॉइस्चर आ गया है। और अब हम करेंगे उसी कटोरी से हम आधा कटोरी नारियल का बुरादा ऐड। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास नारियल का बुरादा है तो इसे ज़रूर ऐड करें, इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। और 2 चम्मच हम करेंगे मिल्क पाउडर ऐड। तो फ्रेंड्स, जो अमूल का 10 रुपये का पैकेट आता है बस वही था, हमने वही ऐड किया है, इससे ज़्यादा हमने नहीं ऐड किया है। तो इन सभी को इसी तरह से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी इसमें मॉइस्चर रिलीज हो गया है, तो आप देख सकते हैं डो इस तरह से लग गया है। अगर आपका डो टाइट है तो थोड़ा सा इसमें मलाई ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारा डो बहुत ही अच्छा बन जाएगा। तो अब हमने लिया एक टिफिन, तो इसे ग्रीस कर दिया है देसी घी से। तो अब इसमें ऐड कर देंगे सारा डो और इस तरह से हम इसे सेट कर देंगे। तो पहले हाथ से करेंगे सेट, उसके बाद स्पैचुला या चम्मच से, किसी से भी सेट कर सकते हो, चम्मच में पीछे साइड हम बैक साइड में लगाएंगे घी और इस तरह से दबाते हुए इसे सेट कर देंगे, जिससे हमारे चम्मच में बिल्कुल भी डो चिपकेगा नहीं। तो हमने सेट कर दिया है और इसे रख देंगे आधा घंटे के लिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो आधा घंटा हो चुका है, अब इसे कट कर लेंगे। तो निकाल लेंगे इस तरह से, तो साइडों से थोड़ा सा निकाल लें इस और बस पलट दें और निकल आई है हमारी बर्फ़ी बहुत ही अच्छे से। अब इसे कट कर लेंगे, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से सेट हुई है। अब इसे मन चाहे शेप में कट कर सकते हैं, जैसे भी आपके पसंद हो वैसे कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनने वाली मिठाई है, आप इस मिठाई को एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, उसके बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मिठाई कैसी लगी। तो ये देखिए हमने लंबे शेप में कट कर लिया है, तो आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर इतनी सॉफ्ट और इतनी टेस्टी बनी थी। तो हमने इसे एक प्लेट में सर्व कर लिया है और टूटी फ्रूटी से डेकोरेट कर दिया है। तो आपके पास अगर ड्राई फ्रूट हैं उससे डेकोरेट कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।